रोहन जी, क्योंकि ये बहुत कड़ा संदेश है कांग्रेस पार्टी के लिए। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत का ठीकरा फोड़ रहे थे बीजेपी और रुपयों के सिर, जनता ने कह दिया है कि वो उस बगावत में साथ खड़ी है बीजेपी के। सिंधिया साहब ने जो किया उसको आप लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया पिछली बार, लेकिन जनता तो भरोसा नहीं जता रही है। देखिए अंजना जी, जब परिणाम आते हैं तब आप जितने भी नैरेटिव उसके पीछे लाना चाहे ला सकती है। बात बिल्कुल सही है, हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, पर मुझे लगता है अंजना जी जो एटमोस्फियर था, हम सब जानते हैं, एमपी की बात करें या राजस्थान की बात करें, एक एटमोस्फियर था कांग्रेस की फेवर में। एमपी में स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी थी, राजस्थान में हमारी योजनाओं ने बहुत अच्छा काम किया था, उसमें दो राय नहीं है, भाजपा कार्यकर्ता भी मानते हैं। पर मुझे लगता है कि उसको वोट में कन्वर्ट करना ये एक मैनेजमेंट की बात होती है, वो कहीं पे अगर कोई पार्टी फेल होती है तो मुझे लगता है परिणाम में वो दिखता है। पर हाँ बिल्कुल, अभी जो रुझान दिख रहे हैं मैं उससे काफी खुश नहीं हूँ। वोट मिलना मैनेजमेंट की बात होती बिल्कुल, है बिल्कुल, इन द सेंस कि आपका जो वोटर है, बिल्कुल अंजना जी ऐसा है कि जो आपके जो माहौल बना है, आज 60-70% लोग वोट करते हैं, 30% लोग वोट नहीं करते हैं, आपके जो समर्थक वोटर बड़ी खबर इस वक्त की आपको ऐसे टोक रही हूँ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे हो गई है 46 सीटों पर। रुके एक सेकंड, जिसे आप मैनेजमेंट कह रहे हैं दूसरी तरफ जनता निकलती है वोट करती है, जहां आप जीतते हैं तो क्या आपका मैनेजमेंट चलता है या बातें चलती है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ फिसलता हुआ दिख रहा है। मौजूदा वक्त पर 10:16 भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा, महादेव ऐप के जरिए कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से छत्तीसगढ़ में घेर रही थी और उसी का देखिए 47 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर 32 सीटों के गेन के साथ 47 पर पहुंच गई है। ये सब मैनेजमेंट है रोहन गुप्ता जी? अरे कम से कम जनाधार के दिन तो, जब जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन तो सिर झुकाइए जनता के सामने, कोई मैनेजमेंट करके सीटें ले आएगा तब तो फिर। अंजना जी आप समझ ही नहीं रही, अनफेयर है ये, गलत। अंजना जी आपकी, आपको, आप मेरे शब्द को समझेंगी नहीं, आप मेरे शब्द को समझेंगी नहीं, अपना इंटरप्रेट आपकी गलती है। मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं, मैंने ये कहा कि जब एक माहौल बनता है उसको वोटों में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो लास्ट 48 आवर्स का है, 72 आवर्स का, किस प्रकार से आपके समर्थक वोटर करें वो एक देखना जरूरी है। माहौल खराब था एमपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उसमें कोई दो राय नहीं है। 47 एक एक मिनट जैसे हम लोग बोल रहे हैं, नंबर्स ऊपर नीचे रहे। बोलिए बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। और चेंज होगा, अभी अभी उल्टा होगा, डोंट वरी। अभी आप जो उत्साहित हो रही है, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी, और राजस्थान का भी आंकड़ा बताइए, जो गैप बढ़ गया था वो 24 का गैप हो गया है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि माहौल को कन्वर्ट करना जरूरी होता है, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। अच्छी खबर एमपी से, भोपाल से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है, लाइव लीजिए ना। रवीश बात कीजिए, रवीश से बात करेंगे। रवीश के साथ बीडी शर्मा बैठे हुए हैं, बीजेपी के वहां पर अध्यक्ष है। दूसरी तरफ राजस्थान में अगर आप देखिए तो 103 और 79 का मामला हो गया है। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, 103 और 79 ये राजस्थान में अगर आप देखिए तो मामला ऐसा है कि बीजेपी 100 के ऊपर ही चल रही है काफी देर से, और अगर 100 पार सेंचुरी मार ली, शरद बीजेपी दफ्तर में है क्या? देख सकते हैं आप किस तरह से बीजेपी में उत्सव शुरू हो गया है। एक गीत पोल के बाद थोड़े से उदास थे बीजेपी के कार्यकर्ता, मगर यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ किस तरह से यहाँ पर उत्साह मनाया जा रहा है, नाच गा रहे हैं। सरकार हमारी आगे 150 सीटों पे हम विजयी होंगे। राजस्थान में गुंडा राज चला रखा था कांग्रेस सरकार ने, युवाओं के विरोध, किसानों के विरोध, अभी बेहतर लोग मिले। 144 सीट आएगी राजस्थान में, 144 पूर्ण बहुमत के साथ भगवा ले रहेगा राजस्थान। भ्रष्टाचार का अंत होगा, पूर्ण बहुमत के साथ, खुशी का माहौल है, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर लोग नाच रहे हैं। अभी से जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, हालांकि अभी
तो शरद आपको जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं जयपुर में, जहां पर सेंचुरी पार 103 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। ऑडियो शरद, शरद अगर आप मुझे सुन रहे हो, ऑडियो कैमरे का शायद ज्यादा रहा। अब हम सुख से सोएंगे, भ्रष्टाचार का अंत होगा, महिलाओं पे अत्याचार कम होंगे, पेपर लीक करेंगे। अधर्म पर धर्म की जीत है, ये असत्य पर सत्य की जीत है। जिस तरह का कुशासन कांग्रेस सरकार में रहा, पूरा सूपड़ा साफ है। 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही, 150 मोदी 156 सीट का आंकड़ा पहले दिया था, 156 सीट का आंकड़ा दिया था मैंने, वो 150 नरेंद्र मोदी, ये मोदी की लहर है। लोटासरा की टीम बुला दी है, इनसे पूछिए मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। इंदौर से तो आवाज आ रही है कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र से कि उनको परोपकारी सीएम चाहिए, और परोपकारी सीएम वो कैलाश विजयवर्गीय को मानते हैं। कार्यकर्ताओं से पूछिए, डांस तो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अभी तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी वालों ने जो आला कमान है उनके हाथ में है, ऊपर वाले बनेंगे। मुख्यमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुमत बनने चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री? चेहरा ऐसा है, हमारे संसदीय बोर्ड का जो फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा, और सरकार की ओपीएस स्कीम फेल करते हैं। आप लोग भी बहुत देर से डांस कर रही है। अरे भाई, ये जीत का डांस है। मुख्यमंत्री संगठन किसको बनाएगा? मोदी जी जिसको बनाएंगे वो ही प्रधानमंत्री। क्या लगता है आप, महिला वोटर बढ़े थे इस बार, और महिलाओं ने किस मुद्दे पर वोट दिया? ऐसा है, महिलाओं ने बराबर भागीदारी निभाई है, और महिला का जो अत्याचार हुए उसे मुक्त राजस्थान होगा। डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये खुशी का नजारा बीजेपी के दफ्तर के बाहर। जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे थोड़ी सी उम्मीदें कम हुई थी, मगर वापस से जश्न का माहौल बीजेपी के दफ्तर के बाहर। बहुत देर से डांस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का अंत होगा, महिलाओं पे अत्याचार रुकेंगे, पेपर लीक तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री आला कमान बनेगा। पिछले 5 साल से मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। शरद, आज बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, ढोल नगाड़े शोर शराबा, क्योंकि बीजेपी के खेमे में जश्न है। लेकिन मुझे लगता है 102 और 80 का मामला है, हालांकि क्लियर एज है, जो गैप है दोनों के बीच में वो बढ़ता चला जा रहा है। सेंचुरी पार यानी बीजेपी की राजस्थान में भी सरकार, वैसा ही मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में देखिए मामला कैसे 45-45 का जाकर अटक गया है। तो यहां से भी अच्छी खबर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है।